अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष यादव यदुवंशी एक बार आप लोगों के बीच में एक गीत लेके आ रहा हूँ। बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा है कि आप लोग हर गीतों की तरह इसमें भी प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। बिरहा तो बहुत आप लोग सुन ला बाबू, लेकिन एक ही महाभारत से बिरहा बा। कवि जी का कलम चार लाइन भूमिका में संकेत करत बा मास्टर। आवा, हम सफर श्याम का पार्थ बनके हम जोली खुले आम रहते सखाई स्वामी शांति सुषमा सुलभ सावरों की कला में करते सफर संग सदा अंतर्यामी बिलखे कली खुद अली को बुलाती अरे टली ना डगर से नयनवार करी के सबर कैसे आए कहे पार्थ हंस के नटखट दया प्यारी बागो मिसरी के बतावल जाला, लोग बतावल नहीं समाज बतावला कि आज प्यार चरम सीमा के पार कर गयल। देखे के मिलेला भैया समाज में ऐसा ऐसा दृश्य ऐसा ऐसा कहानी मिलेले, लोग बतावेलन कि भैया फलाने का लड़का फलाने की लड़की से शादी कैल है, लव मैरिज हो गल। लेकिन यही कलयुग में ही ऐसा ना भयल, चाहे वो सतयुग रहल द्वापर रहल त्रेता रहल, हमेशा ऐसा तमाम कहानी मिलल। एक लाइन कव्वाली का गीत लगल मास्टर। अरे जब जब आवे लप, अरे जब जब आवे लप, अरे हज के महीना जिया रे मोरा, आई जिया रे मोरा उड़ी उड़ी जाला मदीना, जिया रे मोरा उड़ी उड़ी लेकिन कभी जी बिरहा में बड़ी ऊंची बात लिखल। का लिखलन भैया? अरे रस 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 टपके, अरे रस 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 टपके भइले दीवाना पूछल है पार, हाय पूछल है पार गोरिया कहवा ठिकाना, पूछल है पार यही से बिरहा के कहानी का शुरुआत बा बाबू हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी साथ में ही चल दहलन सैर करे खातिर। सैर करते 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 काफी दूर चले गए। आपस में वार्तालाप चल रही है दोनों लोगों की, तब तक भगवान श्री कृष्ण की नजर खांडव वन की तरफ पड़ती है। अर्जुन जी तो कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नजर खांडव वन में है। देखलन बड़ी सुघर लड़की वही वन में खड़ी बा। सोच गए कि अगर काश हमारे साथ हो जाती तो बहुत अति उत्तम होता। जब अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा तो कहा कि कहां नजर आपकी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखिए अगर सेटिंग बैठती है तो बैठा दीजिए। तब अर्जुन जी पास में गईलन
वो लड़की से पूछलन कि कहाँ का रहे वाली हो, का नाव हो, का गांव हो। यही से बिरहा की कहानी का शुरुआत बा भैया। पहुँच के पार्थ कहाँ कहाँ काम फलकेगा, बता दे कौन है तू यहाँ जाम झलकेगा। मटक के मन चली मदिरा लह द्वारी खोली है, मटक के मन चली मदिरा लह द्वारी खोली है, अधर अधीर जाके श्याम से तब बोली है। सूता सूरज की ये तो बनी रात रानी है, सूरज की ये तो बनी रात रानी है, समझ गए पार्थ ये तो श्याम की दीवानी है। श्याम कालिंदी की सगाई पार्थ करवाए, श्याम कालिंदी की सगाई पार्थ करवाए, रहेंगे रात कहाँ कांधा तुरंत फरमाए। प्रभु मैदानों के घर बाबा, खांडव वन में प्रभु मैदानों के घर बाबा, सुहागिन संग जंग यंग के पहरा बाबा। ए बाबू, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन जी उस लड़की के पास पहुंचे और यही पूछा कि कहां की रहने वाली हैं आप, क्या नाम है, क्या पता है। बोल पड़ी वो लड़की कि क्या जरूरत है आपको, हमारे नाम से, हमारे गांव से, हमारे परिवार के लोगों से क्या मतलब है। तब अर्जुन जी ने कहा यह भगवान श्री कृष्ण हैं, आपकी परिचय, आपसे बात करना चाहते हैं। बाबू हो बताई कि सर मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन जी कलन बस काम बन गल, कल कैसन काम बन गल, कलन उनकर नाम कृष्ण तुहार नाम कालिंदी, गणना बैठल हो, यही जगह शादी हो जाई तो हूं अपन घर परिवार बसावा। ए बाबू, उसी खांडव वन में अर्जुन जी कृष्ण और कालिंदी का शादी करवा दहलन। शादी तो हो गई बाबू, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहलन कि प्रभु सदिया तक कराही देला। एक बात बतावा कि सुहाग रात कहां मनाई। अर्जुन जी कहलन कि यही खांडव वन में मैं नाम का दानव बा, बड़ा सुघर मुघर घर बा ओकर, चल थिला बात कह के घर वे खाली करा दे, वही में सुहाग रात मना लिया। जौन समय मैं दानव के पास पहुंचलन बाबू, वही समय भैल का बिरहा मीठे गीत लगल। यह गीत बा अलगाया लगा कैले बाड़ू बड़ा अधिकारी से, अलगाया लगा कैले
ए बाबू, श्री कृष्ण जी कहलन अर्जुन से कि खाली करावा, कहलन की खाली करावा थिला, लेकिन इतना आराम से खाली ना होई। ऐसे न भगी है दानव सोच लाऊ पाइया, ऐसे न ऐसे ही ना भगी हैं, कैसे भगी हैं? अग्नि देव के बुलावा, अग्नि देव जब आई हैं तब भाई खांडव बन खाली होई। तो का करी हैं? दूर होई झंझट जबाती ध्यान धैलन अर्जुन जी, जब ध्यान धैलन तो अग्नि देव प्रकट हो गईलन, चरण स्पर्श किए। सरकार कैसे याद कैलहला, बतौलन कि अग्नि देव आज तुहार कुछ काम हो। तब बिरहा में ठीक गीत बदल गई भैया, अरे चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रे गुजारिया, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रे गु, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रे गुजारिया, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रे गुजारिया, कि तन हिलाय दे तन हिलाय दे तू पतर कमरिया, तन हिलाय दे तू अग्नि देव प्रकट हो गईलन। जब प्रकट हो गईलन तो अग्नि देव कैलन का, अग्नि चूमाया के, अग्नि चूमाया के हरि का प्यारिया, अग्नि चूमाया के हरि का प, पूछा श्याम का है पियर सारी रिया, पूछा श्याम अग्नि चुमाया के हरी कपा यारिया, अग्नि चुमाया के हरी कपा, अग्नि देव भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कैलन। सरकार आदेश करिए, भगवान श्री कृष्ण कलन आदेश तो जरूर करब अग्नि देव, लेकिन एक ठे बात बतावा कि इतना पीला कैसे हो गईला, इतना पियर आ गईला। अग्नि देव बतौलन कि साहब पियरैले के एक ठे कारण हो का, 12 वर्ष बारूद कैला तान पे हवा नवा,
घीवा पिया त पियारा आई गइल तनवा जाके खांडो बन में लगावला वारिया जाके खांडो बन में लगावला वारिया की रहबई साथ आवई में लेके गुजारिया ए बाबू भगवान श्री कृष्ण से बतावे लगलन अग्निदेव की सरकार 12 साल ले वरुण देवता यही पे घीव का हवन कैलन घीव पियत पियत ही शरीर पीला हो गईल लेकिन सरकार आप आदेश करा और आपके आदेश का पालन करी। भगवान श्री कृष्ण बताए अग्निदेव से कि अग्निदेव आज मुझे इसी खांडव वन में सुहागरात मनाना है और मैं नाम का दानव है जो आसानी से घर खाली नहीं कर सकता, आग लगा दो। अग्निदेव कहलन की सरकार जैसन आदेश हो। ए बाबू अग्निदेव चलल हो तो बिरहा में एक गीत कबीर जी लिखल थू का भैया कौनो देवर अपने भौजाई का शिकायत करत रहल का कहल मास्टर देवर के दूर दूर ना हाय राम देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर अरे देवर के दूर दूर ना हाय राम देवर के दूर दूर ना कचटनी पटनी पे चोरावे का है देवर के दूर दूर ना ए बाबू अग्निदेव चल रहलन आ कैसे चलल हुए माना कहा न माना ये अग्नि माना कहा न माना माना कहा ना अरे माना कहा न माना ये अग्नि माना कहा न माना तथाई के मोहन के चरण वहाँ अग्नि माना कहा न माना आदेश का पालन करब हम तो अगिया लगा देबो साहब लेकिन ये आग का लपेट रोकी के ए बाबू भगवान श्री कृष्ण कहत हुए कि अग्निदेव अब तू आग लगावा तब अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण से कहलन का आग का चपेट कैसे रोकबा मुरारी अभी उस आग को काबू करने वाला आएगा कौन वरुण देवता तब हर से लमा न माना ये अग्नि हर से लमा न माना अरे हर से लमा न माना ये अग्नि हर से वरुण देवता उपस्थित हुए भगवान श्री कृष्ण से कहे
कि आप आग लगवाइए, और आग लगने से पहले सभी लोगों को अस्त्र दे रहा हूं, हथियार दे रहा हूं। तो वरुण खुशी हो दिए सुदर्शन, वरुण खुशी हो दिए सुदर्शन, मोहन कर में लिए संहार, अर्जुन के गांडीव दे दिहल मन में खुशी रही अपार, अग्नि देव भी दिए हैं घोड़ा रथ को तुरते दिए सकार, पाके रथ मोहन चढ़ी गई कालिंदी गर्भिये डार। वरुण देवता भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन थमौलन, अर्जुन जी के गांडीव धनुष दहलन, और अग्नि देव भी बाबू प्रसन्न होकर के एक घोड़ा दिए, जौने घोड़ा से रथ तैयार भयल, और बाबू भगवान श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर के उस रथ पर सवार हो गए, और खांडव वन में अब आग लगे जाती हो। वही समय कवि जी बिरहा शैली में भाव लिखलन बाबू, यह कहलन की जलाला जलाला अग्नि खांडव बनवा, हाय जलाला अग्नि खांडव, हो जलाला अग्नि खांडव बनवा, माधव मदन मुरारी मधुसूदन की माला, यरे हो माला, यरे हो माला। ए बाबू, जब खांडव वन में आग लग गई तो वही समय बिरहा में गीत बदल गई। ए बाबू, कोनो लड़का का नई नई शादी भइल, जब रात में पहुंचल हो सुहाग कच्छ में, तो के न मालूम हुई न ये जन्म में मालूम पड़ी। ए बाबू, जब अपने दुल्हिन के पास पहुंचल हो घूंघट हटावत हो, तो वही समय सवाल कह दल दुल्हिन, का कहला भैया? अरे ऐसे ना हम घूंघू उठाई, अरे हो निहटी ये राजा जी, ऐसे ना हम घूंघू उठाई, हो निहटी ये राजा जी, झुमका ले झूलनिया ले पजनिया ले हो राजा जी, झुमका ले ए बाबू, खांडव वन में आग लग गई, जब अगिया लग गई हो तो भयल का हो बाबू, अगल लपेटी मजा हल्का चले बचाने देवता जी, भैल तूफनवा बची न जनवा लगे पराने देवता जी, भैल तूफनवा भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन ले ले हुए, अर्जुन जी गांडीव ले 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 हुए, रथ पे सवार हुए लोग, लेकिन जब बाबू आग कर लवर चलल हो तो निक निक लोग मैदान छोड़ के भागे लगलन, तब भागे वाले में से के रहल इंद्र आदि देव भागे ले के परानवा, बाबू इंद्र तमाम लोग जैसन मैदान छोड़ के भागे लगलन, लेकिन वही खांडव वन में बाबू अश्वसेन नाम का एक नाग रहल, जब आग के लपेट में चपेट में आयल हो
तो सबके अपने जान के प्राण के माया होले हो बाबू। और सोसेन नाम का नाग अपने मासूम से बच्चा के लेके उड़े लगल। तब तक अर्जुन जी का निगाह बाबू वही अश्वसेन नाग पर गईल। सोच गईलन अर्जुन जी की कृष्ण भगवान पर प्रहार न कर दे, वार न कर दे। अर्जुन जी कैलन का चल पराई जान बचाई, अरे चल पराई जान बचाई बनावा मारे अर्जुन जी, चल पराई चला पराई जान बचाई है बनावा मारे अर्जुन जी, माता पुत्र संग मरी गगन अरे बनावा मारे अर्जुन जी। बिरहा सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग, चाचा लोग, अर्जुन जी धनुष पे बाण चढ़ा के तैयार रहलन। ऐसन बाण मरलन बाबू कि अश्वसेन नाम का नाग अपने बच्चे को लेकर के खत्म हो गया। ऐसा बाण लगा कि दोनों मर गए। जब मर गईलन तो आत्मा ब्रह्मलोक में गईल, अश्वसेन नाग का और उकरे बेटा का। जब ब्रह्मलोक में गईल बाबू तो ब्रह्मा जी से सवाल कर देती है वह आत्मा, का भैया कहल कहल कि जनवा गवाई हो गई वह दोनों ब्रह्म लोकवा में, ब्रह्मा से कहयासु गार हे गोसैया। दोनों आत्मा ब्रह्मा से सवाल कर देती है कि सर एक बात बताइए, कौन सा गुनाह था कि अर्जुन जी ने हम लोगों को मारा। निर्दोषी हमन कब ए बाबू अर्जुन बधनवा कैल, कावबी खाला लीला रे गोसैया। का गुनाह रहल कि अर्जुन हमन के मरलन। ब्रह्मा जी कहलन कि चलो जो हो गया सो हो गया। कहला इसे ना हो गयल, हमके कारण बतावा कि अर्जुन हम तो निर्दोष न रहली साहब। वो आग के चपेट में जब अली खांडव वन में तो हम अपन बेटा लेके जान न बचावत रहली, भागत न रहली, काहे के मरलन। तब बाबू आवेश में आता है और ब्रह्मा से सवाल करता है कि मौत का बदला वो न से अरे हम चुकई बे साहब, इहवे बहा मारो बिचारिए गोसैया। ब्रह्मा जी एक बात सुन लीजिए, आज हो चाहे 10 दिन बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, लेकिन मैं बदला अवश्य अर्जुन से लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने एक बात कहा, क्या कहा? ब्रह्मा कहे कि हो बाप ए बाबू कर्ण का बेटावा हो, ब्रिसेन नामावा तुहार हो ही गोसैया। ब्रह्मा जी कहलन कि ठीक है, समय आएगा तुम कर्ण का बेटा होगे, तुहार नाम ब्रिसेन रखल जाई। वही समय महाभारत का लड़ाई हुई, आपन बदला अर्जुन से चुका लिया। ब्रह्मा जी जब इतना कह दलन बाबू
तो ऊ दिन ऊ समय ऊ बेला आ गई। कवन आ गई पहपट में भाव अरे काल चक्र के का पासा दिया घुमाई भाई भाई के अरे काल चक्र के का पासा दिया घुमाई भाई भाई के हम महाभारत का जम के भाई लड़ाई भाई भाई के समय आयल हो बाबू कि महाभारत का जब लड़ाई छिड़ल हो वही समय भयल का अरे अगड़ी तो जोध्या मरे समर में है सरकस सैया लागी हो अरे घायल भीष्म द्रोणा मर गईले वह बना कर रहे बागी हो निक निक लोग मारल गई लनु महाभारत में। दादा भीष्म सरसैया पर लेटल हुए सब लोग मारल गईलन लेकिन वही समय भयल का हो करे वार पे वार जंग गरमाई भाई भाई कहे तबले पिता बाड़ पर बेटा गया समाई भाई भाई कहे ए बाबू ब्रह्मा जी कहले रहलन की महाभारत का लड़ाई हुई तू कर्ण का बेटवा होबा तोहार नाम ब्रिसेन रखल जाई। बाबूजी वो इच्छाधारी ब्रिसेन अपने पिता कर्ण के धनुष पर आकर के बाण बन गया नागरूपी बाण। आवाज दिया बिहस गया ब्रिसेन पिताजी हाय बदला याद चुका आई हो अरे बाण चलावा अर्जुन कहे हम करब आज सफाई हो। आवाज दिया ब्रिसेन कि पिताजी आप बाण चलाओ आज इस महाभारत की लड़ाई में मैं अर्जुन से अपना बदला लूंगा। सोच गया कर्ण कि मेरे आसपास भी कोई नहीं है आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही है। तब कर्ण एक बात बोला। क्या बोला? अरे देख तमाशा कर्ण गया घबराई भाई भाई कहे अब मानव रूप धरियावा गले लगाई भाई भाई कहे भैया बाबू हो कर्ण अवाक हो गया यही कहा कि कौन हो तुम कहां हो मानव के रूप में आओ जब तक तू असली रूप में नहीं आएगा तब तक मैं कतई बाण नहीं चला सकता। कहा नहीं पिताजी आप बाण चलाओ आज बदला लेंगे महाभारत की लड़ाई में अर्जुन का। लेकिन बाबू रुक गया कर्ण कहा कतई मैं बाण नहीं चला सकता। तब वही समय बाबू वह इच्छाधारी ब्रिसेन कैले कहा आल्हा में प्रमाण हो इच्छाधारी ब्रिसेन आई इच्छाधारी ब्रिसेन आई गईले समनमई बाबू ललना के देख कर्ण कहरे मन बिचार ब्रिसेन बोला धई के ब्रिसेन बोला धई के कर्ण के पयरियई बाबू पिताजी हमार
इच्छाधारी ब्रिसेन अपने पिता कर्ण के सामने आया। जब कर्ण ने अपने बेटे को देखा, अवाक हो गया कर्ण, आखिरकार ऐसा तू क्यों कर रहा है। कहा कि आज इस महाभारत की लड़ाई में अर्जुन से बदला लूंगा, एक बार केवल मौका दीजिए हमको पिताजी। तब बाबू कर्ण बोल पड़ा। क्या बोला मास्टर? कर्ण कह सिंह कभी, कर्ण कह सिंह कभी स्वान नहीं बनी है बाबू। मानवता का बगिया है होई ना गुली जावारी, आवाज दिया कर्ण की, ब्रिसेन ऐसा धोखा यह कर्ण अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? धर्म होई विनाश लोगी, धर्म होई विनाश लोगी, मरी हाँ हमके तनावई बचवा। पिता पुत्र धोखा किए पार्थ गए माँ, तेरे मैं सहारे अगर करूंगा लड़ैया बचवा। द्वापर में बाप ब्याली, द्वापर में बाप ब्याली, साथी नहीं बनी है बचवा। पूजी का लजू गावाया सारावा तोहा, ब्रिसेन कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारे सहारे में इस महाभारत में अगर अर्जुन को मारा भी तो इसी जगत धर्म का विनाश हो जाएगा। इस समाज, इस दुनिया के लोग हमारे नाम पर थुकी हैं कि कर्ण अपने बेटवा के सहारे अर्जुन की मरलन, तो ऐसन कतई ना हो पाई। बाबूजी निराश हो गया। ब्रिसेन बोला कि पिताजी बदला एक बार मौका दे दीजिए। लेकिन बाबू कर्ण ने एक बार भी हिम्मत नहीं जुटाया और यही कहा कर्ण कि अगर ऐसा होता है तो कलयुग में हर बाप को अपने बेटे का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे सहारे इस महाभारत की लड़ाई में तनिक भी सपोर्ट, सहयोग या बाण नहीं चला सकता। ए बाबू, वही समय भयल का हो अंतिम लाइन में कबीर जी बड़ी ऊंची बात लिखलन। तय अपने धोखा सदा कमाई, अब पापी बनी के नीच कसाई, अब पाई कतहू ना चाया नवा जिगर का टुकड़ा। पाई कतहू ना चयनवा जिगर का टुकड़ा। कर्ण जो है ब्रिसेन को सोच गया कि यह इच्छाधारी है, धोखा करेगा। तब सनसनबान समर में छूटे कर्ण पार्थ लड़वैया, प्रचंड तेज था रण कौशल है साथी कुंवर का धैया। अच्छैया काल कृष्ण समनवा जिगर का टुकड़ा। सोच गया कर्ण कि धोखा करी, और धोखा करी तो बड़ी बुराई हुई। तब कर्ण बाबू सोच गया कि
इस लड़ाई के मैदान में बाण चलाने से पहले मैं जो मेरा बेटा इच्छाधारी है पहले इसको खत्म करूं, तब नहीं तो समाज में दुनिया का लोग हमके ताना मरी है। वही समय कर्ण कैले का हो, मारे बाण है अर्जुन लाल, खुद कर्ण का तन है त्यागा, पुत्र शोक के कृष्ण हृदय में जरूर प्रेम सा जागा, अभागा छोड़ी के लाला नामा जिगर का टुकड़ा। भगवान श्री कृष्ण पूरा नजारा देखत हो, अरे बारे कर्ण मानना पड़ेगा, बाबू उठा करके बाण, कर्ण अपने इच्छाधारी बेटा ब्रिशेन को मारने का काम किया। उस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण खड़ा हुए और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्ण से, क्या कहा, अरे कहा है कन्हैया धन्य धन्य है कर्ण तेरी मर्दानी, अरे न्याय नीत संग युद्ध किया है बेटा की दे कुर्बानी, दानी जाना जग जहान हमार जिगर का टुकड़ा। ए बाबू, भगवान श्री कृष्ण खड़ा हो गए और खड़ा होकर के यही कहा कि बा कर्ण बा मानना पड़ेगा, इसीलिए दानियों में एक अलग नाम बड़ा शौक और सम्मान के साथ तुम्हारा लिया जाता है, और तूने जो फैसला आज लिया इस महाभारत की लड़ाई में यह ऐतिहासिक फैसला है, यह सबके बस की बात नहीं है। कर्ण चरण स्पर्श किए, सर झुकाए, वही झुकन तक, लेकिन अंतिम लाइन में कभी जी बतावत हो, सत्यराम गुरु नटखट बाबू नंदन की फुलवारी, माली दिनकर चले गए अरे दया मन हुए दुखारी हो, जलाला यज्ञि खांडव बनवा, संतोष दया राम बिरहा का रंग निराला, जलाला यज्ञि खांडव बनवा, हम लोक गीत बिरहा गाय क्या रुचि यादव प्रतापगढ़ के धरती से आप सबके बीच में करंट बिरहा म्यूजिक के बैनर तले
हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री संतोष यादव गजना की पावन धरती से भैया जी की देख रेख में अपने पूरी पार्टियन की आवाज में एक महाभारत से विराह भेजत है। आशा न पूर्ण विश्वास रही कि ये विराह के प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिली। गाने का शीर्षक अर्जुन का घमंड, कैसे चार लाइन के भूमिका के भाव से आवा। दंभ दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा, दंभ किसती डुबाती है मझधार में, ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना, दंभ की बू झलकती है संस्कार में, दंभ की जाल मेरा जरावण फंसा, अरे ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देता, दंभ कुरुपति के उर में घुसा दंभ से, ना बचा अंश कोई जो कुल को बचाता। इस गीत के माध्यम से गुरुजी बताना चाहते हैं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, काहे कि इंसान के अपन कुछ नहीं बया, लेकिन फिर भी इंसान घमंड करता है। यह अहंकार कहां से कहां पहुंचा देता है सबको, यही के बारे में गुरुजी दो लाइन बयां करता है। कैसे कोनो लड़का आजकल कई रंगीन मौसम देख के जब यहार वहार भाग गवाए ते अपन दिल के दुविधा बतावत बा, कैसे मुझे तो लूट लिया मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने, मुझे तो लूट लिया व्यक्ति के अंदर आ जाता है आसमान से नीचे में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उदाहरण के तौर पे राजा रावण, कंस जी, यहार पांडव, बड़का बड़का योद्धा के जैसे घमंड भुआ आसमान से धरती पे आवाज ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो गुरु जी ही के बारे में बताता हूं कैसे दंभ किया दंभ की आँच मानवता जला देती है, दंभ की आँच मानवता जला देती है, कर्म या धर्म सबको खाक बना देती है, मानवता जला देती है, कर्म और धर्म सबको खाक बना देती है। विराह के कहने के शुरुआती से बा कैसे रक्त की दरिया से
रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, दम्बूर में बसा पारथ का मन अशांत हुआ। फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, कोई न लड़ सका मुझ जैसे धंधरधारी से। भीष्म और कर्ण को मैंने पछाड़ दिया, सामने जो भी आया मैंने उसे मार दिया। बात को सुन के मन मोहन मुस्कुराए हैं, बात को सुन के मन मोहन मुस्कुराए हैं, बिठा रथ पे तब एकांत जगह आए हैं। कहे गांडीव संग रथ की विदा बेला है, 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 ध्वजा पे तेरे बैठे मेरा एक चेला है। ए भैया तनी बिरहा के कहानी के समझ लें। बिरहा के कहानी लिया कहाँ से गा? महाभारत। जब यार महाभारत के लड़ाई शांत भई, जब लड़ाई शांत हुई पांडव रण में विजयी हुए, तो अर्जुन जी का घमंड हो गया। घमंडी बात के भाई कि हमसे बड़ा धनुधारी केहू नहीं बा, काहे भीष्म और कर्ण जैसे योद्धा को मैंने पीछे कर दिया। हमसे बड़ा केहू धनुधारी नहीं जन्मा बा। ये बात जाई के भगवान कन्हैया से कहन कहन सखा हमारी बात को सुनिए। कहें बोला कहन कि महाभारत के लड़ाई हम सब अपने दम पे जीते हैं, हमरे सामने जया मौका मार दे है। भगवान कन्हैया कहन बस घमंड चढ़िया और घमंड तोड़ब जरूरी बा। कहन तब कहन पूरा महाभारत लड़े अपने दम पे लड़े, सबके विदाई हो गया। कहन भगवान कन्हैया कहन जब सबके विदाई कई दिहा तब एक विदाई करब और बाकी बा। कहन मतलब कहन ही ना बताओ तनी एकांत जगह चला, एकांत जगह लेकर आते हैं। कहन अर्जुन अब विदाई करना है तुम्हें। कहन के कह तो भगवान कन्हैया बताता कैसे एक लाइन कहना बा। कोनो भौजाई अपने ननदिया से कहे, का कहे, उठे लपीर कमर के नीचे, उठे लपीर कमर के नीचे हायल कैले बा, पीताए ननदो दरदिया घायल कैले बा, हरदिया पीताए ननदो। लेकिन भगवान कन्हैया संकेत करता अर्जुन मेरी बात सुनो, बताता कैसे ध्वजा के ऊपर गदा को ले, ध्वजा के ऊपर गदा को
कन्हैया कहन अर्जुन तुम्हारे इस रथ पे मेरा एक चेला बैठा है। कहन तब कहन सबके विदाई कह दिया बस उहे बाकी बा अब ओकर विदाई करा। तब आगे कहना बा बतिया के सुन के बतिया के सुन के बोले बजरंगी जवानवा। बतिया के सुन के बाड़ अब तक बेधक बाटे तनवा कण के उठे दरदिया जब भगवान कन्हैया जान गए कि अर्जुन के घमंड होई गवा तो सोचे ने इनका हम कुछ न बताओ अब हमार चेला बताए। कहन अर्जुन जी आप हमारे शिष्य का अब विदाई कर दीजिए, अगर वो नहीं होता तो शायद आप ये रण जीत ना पाते। भगवान कन्हैया के बाहर मुंह लखा तहा कहन आप ऐसन कहे बोला तहा कहन की तो तोरे सामने खुद आई जाए। भगवान कन्हैया इशारा करें भगवान बजरंग बली रथ से नीचे गिरेन। जब नीचे कूद पड़े रथ पुर्जा पुर्जा में टूट गया। अर्जुन जी देखा तहा सोचन कि अगर भगवान इनका हमारे साथे ना की होते तो मतलब हमार इरथ आधीन में टूट जाते हैं। बजरंग बली आयन कहन कहन कि स्वामी कैसो करे जितना बाण हमारे शरीरी में लाग बा अबे तक ही दर्द करतबा एक के कोनो उपाय करा। कहन कि आपका इलाज होगा पहले इन्हें बताइए। ये बोल रहे हैं कि इनसे बड़ा धनुधरधारी इस रण में कोई नहीं था। तो बजरंग बली बताओ बता कैसे एक लाइन कहना बा। कोनो दुलाही कहे कहे कि देखा तू कुल कमाए चला जाए लेकिन वह पूरब देश में न जाया। कहे नुमा का दिक्कत बा कहे कि वहां जाबे तो वहां जादूगर नहीं ज्यादा बाटे जादू चलाए के हुई अपने बस में कई ली है तो हम जो ने बाटे दुई चार ठी के करे मुड़े माथे लगी है। दुलाइया कहे कैसे डूबी मर बोए राजा डूबी मर बोए राजा जईबा जब पुरुवते देसवा डूबी मर बोए लेकिन बजरंगी जी बया करता अपने दिल के हाल उनके ऊपर बीतत कावा कैसे बाचा नहीं पवले खुद के बाचा नहीं पवले खुद के कान जब चलावे बनावा बाचा नहीं पवले खुद के।
बजरंगबली कहें कि हम एक से बढ़ के एक योद्धा देखे, लेकिन रण में हम कर्ण जैसे योद्धा ना देखे। अर्जुन जी कहें वो कहे कहें कि अगर हम न हो तो देखा अहंकार ना करते, लेकिन बताओ तो अगर हम न हो तो शायद ये युद्ध न जीत पौते। कहें कैसे कहें सुना बताओ तही बताओ तहा कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं। कर्ण बलवान हमारे अलावा वार कोई नहीं सह पाई। हमारे मारे नहीं पवल से पारा, मारे नहीं पवले पारथ संग हरि तोहर जनवा। मार नहीं पवले पारथ संग हरि तोहर जनवा। बाचा नहीं पवले खुद के कान जब चलावे बनवा। बाचा नहीं यार जब बजरंग बली के पूरा शरीर देखा तहां वाण से पूरा बेंधा बा, समझी ना पाता कि आखिर हम अपने मुंह सब आवाज का निकाली। बजरंग बली जब कूदन रथ का ही हाल देख लेन, ऐसा उनका हालत देख लेन तो एकदम परेशान। अर्जुन जी कहन भगवान कन्हैया ई का बा, कहन तोरे जोन घमंड चढ़ा रहन वो के प्रमाण दे तही। कैसे टेरी के भाव में कहना बा चलावे रण में कर्ण बनवा। अरे तो चलावे रण में चलावे रण में कर्ण बनवा। तयवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे। अरे पावे अरे पावे चलावे रण में कर्ण बनवा। अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे। कहें अगर तोहरे पीछे तना जनक सपोर्ट न होते भगवान कन्हैया साक्षात तोरे साथे रहें। द्रौपदी जी आपके साथे रहें यार हम आई गई रहे तब आप युद्ध जीत लें, नहीं तो युद्ध जी तब आपके बस के बात ना आई रही। कर्ण के बखान करता है भगवान कन्हैया और बजरंग बली जी कैसे पहपट के भाव में कहना है। अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से भारी गिरिवरधारी हो। अरे तो कोई नहीं है वीर कर्ण से भारी गिरिवरधारी हो। अब होती नारथ देत सिंधु में डारी गिरिवरधारी हो। बजरंग बली कहन कहन कि अगर अर्जुन जी हमसे आपके सपोर्ट में न होई तो कणा ईशन वीर बाई रथ आपको हुई सिंधु में समा देता डूब जाता पतो न पौत केहू तोहार। ये कह के बजरंग बली कूदेन कैसे अरे रथ से नीचे बजरंगी जब कूद के गईले आई हो। और टूट गया रथ पुर्जा सब धरा पेगा बिखराई हो। अरे तो वार वार का असर अभी तक जारी गिरिवरधारी हो। अरे तो वार वार का असर अभी तक जारी गिरिवरधारी हो। तो विस्मित पारत देखे आँख के फारी गिरिवरधारी हो।
जब बजरंग बली उनके पास आ गए, भगवान कन्हैया उनका देखा तहा अपने रथ की हालत देखे सारा घमंड चूर हो गया, शर्म के मारे पानी पानी हो गए। दंडवत प्रणाम करके बजरंग बली के सामने खड़ा हो गए, अपने दिल के इच्छा बताओ तहा माफी मांगा तहा, कैसे गुरुजी आल्हा के भाव में कहना बा। अहंकार दुनिया में ना सके बमूल भैया, अहंकार देला ज्ञान बिसरा, रथ के प्रखंचा उड़ के टूटी जब गईले बाबू, आचरज में पारथ भैले पूछू ना सूझा, हथवा के जोड़ गिरे कपि के चरणवा बाबू, माफ कई द गलती हमारी जैबा हो भूला, सारा ही घमंड छन में नाश हो गाइल बाबू, धन्य बजरंगी जग में कीर्ति तो हर बा, भगवान बजरंग बली के सामने दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए, कहे भगवान हमारी गलती को माफ कर दीजिए, हम इस युद्ध को जीत कर ये समझने लगे थे कि हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, लेकिन आज आपने मेरा घमंड सारा चकना चूर कर दिया, आपके जैसा योद्धा और कर्ण के जैसा योद्धा ना कभी संसार में हुआ था, ना है, ना कभी होगा, और ये प्रमाण मिलता है। यह अहंकार अगर केहू के हो जाए, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ज्ञानी हो, लेकिन अगर अहंकार हो गया तो एक बिना पढ़े वाला व्यक्ति से उहार जाते, कहे अहंकार ऐसा चीज आ कि केहू के साथे ना रहत और कहां से कहां तक पहुंचाई देते। खड़ी के भाव में कहना बा, अरे दंभ नाश बा पारथ तब झुकावे सिरवा, तो दंभ नाश बा पारथ तब झुकावे सिरवा, तो युग युग जिया बाजा रंगी मायन जग के हीरावा, बजरंग बली की जय जयकार करने लगे और अपना घमंड छोड़ के अब बजरंग बली को ये बात बता रहे हैं कि अगर आप न होते तो शायद हम ये युद्ध ना जीत पाते। कैसे? अरे तोरे बल पे जितली महाभारत के लड़ाई हो, तक कर जा तोहार कबहू जाई ना चुकाई हो, शांत मन भइल मोहे भइल बधिरवा, तो शांत मन भइल मोहे भइल बधिरवा, तो जुग जुग जिया बजरंगी मांजनी के हीरवा,
इस युद्ध को जीतने का पूरा श्रेय भगवान कन्हैया और बजरंगबली को दे दिए। बजरंगबली के विदाई के दिन कन्हैया जी दोबारा समझाएं कहें कि आज तो घमंड कई लिहा, अब आगे घमंड न की है, नहीं तो अब की बार सिर्फ माफ किया, अगली बार के थो लायक न बचबा। आखिरी में गुरु घराने का पर्चे बा, गुरु गणेश गुरु राम लाल चंद्रिका कहे पुकार, अरे कथन करे कभी राधे श्याम सुरेंद्र राम आधार, चलावे रण में कर्ण बनवा, अरे तो चलावे रण में, चलावे रण में कर्ण बनवा, तो रुचि माँ शारद के हरदम शीश झुकाई, चलावे रण में।